राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार राम से तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार राम से तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार राम से तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार राम से तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार राम से बाह पकड़ ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले, बाह पकड़ ना बाह पकड़ ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले, बाह पकड़ तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, 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 बाहों पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। कुसुम भी को मिल गई संत, हो गया उद्धार कुसुम भी का, पाप छोड़ दिया, पिछला जीवन छोड़ दिया, अच्छाई को अपनाया जीवन में, अपना सुधार कर लिया, तो परमेश्वर ने उसका उद्धार कर दिया। जितने भी संत महात्मा देवी सज्जन हुए हैं, उनका पिछला जीवन कैसा भी रहा हो, राम नाम की आराधना करते करते यदि उन्होंने अपने पिछले जीवन का त्याग कर दिया, तो उनका जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया उनका जीवन। रामानंद के सुशिष्य ने कुसुम्भी को इतना ही तो कहा, खाना पीना सोना है पशुओं का भी काम, मानव में है एक गुण जपे राम का नाम। तो किस गंदगी में पड़ी हुई है कुसुम भी, यौवन तो खराब हो ही गया, सारी जिंदगी बर्बाद ना कर, लोक तो बिगड़ ही गया तेरा, पर लोक भी ना बिगाड़। संत के उपदेश ने बहुत चमत्कारी काम किया, कुसुम्भी का जीवन बदल गया, मानो मन ही मन शपथ ले ली, मैं इस गंदगी से हर हालत में निकल के रहूंगी। उसने निकल के दिखाया, किसी एक युवक के साथ बसना शुरू कर दिया, सुगृहिणी बन के सुंदर पारिवारिक जीवन, सुंदर गृहस्थ जीवन, सुधरा हुआ जीवन, पापी जीवन का त्याग कर दिया। तुलसीदास का जीवन देखिए, महर्षि वाल्मीकि का जीवन देखिए, सूरदास जी का जीवन देखिए, अजामिल का जीवन देखिए,
जिन्हों जिन्होंने भी परमेश्वर की बाह पकड़ी, उन्होंने अपने अपने पिछले जीवनों को छोड़ दिया, पिछले जीवन साथ नहीं रखे, मानो सारी की सारी बुराइयां राम राम जपते तजती हैं। इससे यही स्पष्ट होता है ना, अब राम राम भी जपते रहो और बुराई भरा जीवन भी व्यतीत करते रहो तो वहीं के वहीं रहोगे जहां से चले थे, कहीं साधना में प्रगति नहीं हो पाएगी। आप कहें कि हम राम राम भी जपते रहें, खूब जाप भी करें, अमृतवाणी का पाठ भी करें और दिन भर बेईमानी भी करें, हेराफेरी भी करें, भ्रष्टाचारी भी करें, मिलावट इत्यादि भी करें और इससे हमें राम नाम से लाभ हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, परम शांति मिल जाएगी, हमारा जीवन सार्थक एवं सफल हो जाएगा, तो देवियों सज्जनों शास्त्र इस बात से सहमत नहीं है। ऐसा नहीं होता। आपको वह बद्धा जीवन, अभद्र जीवन छोड़ना ही होगा तो ही कल्याण हो पाएगा। संत महात्मा समझाते हैं, साधक प्रायः तीन प्रकार के होते हैं, एक तो पत्थर जैसे, पत्थर जब तक पानी में रहता है गीला रहता है, पानी ठंडा होता है तो पत्थर भी तब तक ठंडा रहता है, बाहर निकलते ही पानी भी सूख जाता है और पत्थर की ठंडक भी धीरे धीरे कम होती जाती है, बाहर की टेम्परेचर जैसा हो जाता है। ऐसे साधक जो इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, यहाँ बैठे बैठे बहुत सिर हिलाएंगे, बाहर निकलते ही यहाँ बैठे बैठे सत्संगी, बाहर निकलते ही प्योर संसारी हो जाएंगे, ऐसे साधक इसी पत्थर की तरह, कोई लाभ नहीं होता, वे अपने जीवन में बदलाव लाना ही नहीं चाहते। यदि जीवन में बदलाव लाना ही नहीं चाहते तो फिर परमात्मा क्या करे, कैसे सहायता करे उनकी। संत भी मिले, शास्त्र ने भी समझाया, संत ने भी उपदेश दिया, परमात्मा की कृपा का पात्र भी बनाया, उसके बावजूद भी जो साधक साधक जनों परमेश्वर के दरबार में प्रार्थना करते हैं, यदि उनका किसी का संपर्क सीधा परमात्मा से हो चुका हुआ हो तो उन्हें अनुभव होता होगा, कभी आप प्रार्थना के लिए बैठे हैं, किसी अमुक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा उसे इसमो रूपी दलदल से, इसमो माया के जाल से छुड़वाइएगा, बल दीजिएगा कि वह छोड़ सके, तो तुरंत भीतर से आवाज आती है, मैं तेरे चाहने पर कितना करूं। क्या वो भी चाहता है कि ऐसा हो, वह सहयोग नहीं दे रहा, वह साथ नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं, मैं उसे धक्का मार के ऊपर चढ़ाता हूं।